आज एक और चिंगारी ने गांव के कई आशियाने को तबाह और बर्बाद कर दिया। चूल्हे से निकली यह चिंगारी देखते ही देखते भीषण आग में बदल गई। जब तक लोग कुछ समझते और आग बुझाने की कोशिश करते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग ने भीषण रूप धारण करते हुए आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि कटिहार के कुरसेला प्रखंड में अवस्थित मिल्की गाँव के वार्ड नंबर 12 की है। घटना आज 23 नवम्बर दिन की बताई जा रही है। इस अगलगी की सूचना जैसे ही कुरसेला पुलिस को मिली, कुरसेला पुलिस भी एक छोटे दमकल के साथ मौके पर पहुंच गई। इस छोटे दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इस छोटे दमकल से इस भीषण आग पर काबू पाना मुश्किल था। आग पर काबू पाने के लिए कटिहार से बड़ी दमकल को बुलाया गया। उसके बाद बड़ी दमकल और छोटे दमकल दोनों की सहायता से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने में स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन अफसोस जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 7 परिवारों के 8 घर जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। इन पीड़ित परिवारों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। पीड़ित परिवारों ने बताया कि इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। आग लगा है, उस टाइम हम नहीं थे, लेकिन जब आग लग गया बाद में आए थे। ये क्या आग बुझाने में जले हैं क्या? हाँ जी। कहाँ कहाँ जला है? पैर में जला है और इधर मुंह जला है, गाल और हाथ जला है। पंचलाल साहब, ये मुरादपुर पंचायत समेली प्रखंड अंतर्गत आता है, वार्ड 12 में मिल्की नवाबगंज गाँव में। आज शरद गर्म का जो मौसम है, शाम में ठंड हो जाती है, दिन में धूप काफ़ी तेज हो जाता है, उसी वजह से जो है लोग जो अपना चूल्हा वगैरह को सही ढंग से ठंडा नहीं कर पाए, उसी चिंगारी से पूर्ण रूपेण मैंने पता नहीं हो पाया है क्या है, लेकिन यही वजह है कि घर की चिंगारी से ही ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसी आशंका मैंने यहाँ के लोगों के द्वारा अभी सुनने में आया है और अभी बात करने पर पता चलेगा किस तरह से ये आग। कितने घर चपेट में? ये अभी 8 से 10 घर हैं, कुछ एक दो बासा भी हैं, कुल मिला के 12-13। किस तरह का परिवार है ये सब? काफ़ी हम हैंड टू माउथ मैंने कमाने खाने वाले सब घर परिवार हैं। क्या क्या नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है? मोटा मोटी सभी से 2 से 2.5 लाख का मैंने नुकसान यहाँ पर अभी है, जिसमें कि एक इसका पूरा माल मवेशी को बचाने में इसका पूरा हाथ पैर भी जल चुका है, जो सामने आप देख भी रहे हैं। क्या मांग रहेगी जिला प्रशासन से? जो उचित मुआवजा होता है, जो उचित मुआवजा मिल जाए। अब तो बेघर हो गए 10 परिवार लगभग, अभी लोग अब तत्काल हम लोग जो है अंचलाधिकारी से पॉलिथीन सीट का मांग किए हुए हैं, वो पॉलिथीन सीट आ जाता है, इन लोगों को पॉलिथीन सीट तत्काल दिया जाएगा, फिर जो नियमानुकूल होगा वो सुविधाएँ इनको मिलेगी। जी परिचय में काफ़ी कुरसेला थाना का काफ़ी सराहनीय भूमिका रहा, फ़ोन पर तुरंत उन्होंने छोटा दमकल और बड़ा दमकल को भी खबर करके जल्द से जल्द भेजने का काम किया। इसके लिए मैं थाना कुरसेला को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं संतोष कुमार पप्पू, प्रमुख प्रतिनिधि समिति।